कैसे हो बच्चों? हम सब तो ठीक हैं, लेकिन आप उदास लग रही हो। हाँ राजू, एक समस्या आ गई है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ भीम, मेरी एक सहेली परी इस लॉकेट में कैद है और इसे आजाद करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं आपकी सहेली परी को जरूर आजाद करूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। सब लोग एक साथ रहना, कोई खो गया तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये एक भूल भुलैया है। भीम, अभी हमें दाई ओर जाना चाहिए या फिर बाई ओर? दाया बाया बाया दाया, गौर से देख कहाँ है तेरा साया। इसका क्या मतलब हुआ भीम? साया साया, मेरा साया बाई तरफ है, इसका मतलब हुआ हमें बाई तरफ जाना चाहिए। हवा जा रही है किधर? उस तरफ देख, ये पत्ता दाई ओर उड़ रहा है। इसका मतलब है हवा दाई ओर जा रही है। बिल्कुल, हमें दाई तरफ जाना चाहिए। पानी नहीं है दोस्तों, ये धोखा है, ये कांच है। आओ तुम सब आओ। आसमान है नीचे, जमीन है ऊपर, सर है नीचे, धड़ है ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ उस्ताद? मुझे नहीं पता। सर है नीचे, धड़ है ऊपर, मतलब उल्टा खड़ा होना होगा। बाहर जाने का रास्ता ऊपर है। तो ऊपर कैसे पहुँचेंगे? बाहर निकलने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। कालिया, मेरी मदद करो। को आजाद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि तुम सब ये काम जरूर कर पाओगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था। तो अभी हम चले वापस परियों की दुनिया में। अब इसका क्या करें? अब ये दुष्ट जादूगर हमेशा के लिए इस लॉकेट में कैद रहेगा। तुम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमें जाना होगा। वो मौसी, ये दोनों लड्डू चुरा रहे थे। ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए टूटा तारा। ये मौसी को क्या हो गया? माँ टूटे तारे के इंतजार में है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। अरे हाँ, आचार्य जी ने कहा था आज शाम ढोलकपुर में टूटा तारा गिरेगा। कहते हैं टूटे तारे से कुछ मांगो तो वो इच्छा जरूर पूरी होती है। मैं तो केलों का पहाड़ मांगूंगा। केले केले ढेर सारे केले। मैं तो उड़ूंगा।
आज शाम टूटा तारा ढोलकपुर में। चले क्या? नहीं नहीं, अभी तो वो जाग रहे हैं। अब चलते हैं, कितना अंधेरा है, लाइट ऑन करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन बिल्कुल धीमी सी, कहीं कोई जाग ना जाए। मिल गए, यहाँ है। पता नहीं कैसे बनाती है इतने यम्मी। आज सब जल्दी सो गए लगते हैं। ये सब यहाँ कौन छुप रहे हैं? कहीं चोर तो नहीं घुस आए? देखा मेरा कमाल। राजू, ये कमाल तेरा नहीं, आचार्य धूमकेतु के आविष्कारों का है। भीम, मैं तो भूल ही गई, मानी तुम्हें बुलाया है। और ये देखो, आचार्य धूमकेतु और उनके आविष्कार, और राजू बन गया हीरो। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम, महाराज ने बुलाया है, जल्दी। दरवाजा खुला है, अंदर मुझे आविष्कार मिलेंगे, फिर मैं भी। छी, कीड़ा। आचार्य जी भी क्या क्या करते हैं? आविष्कार। अब मैं सबको बता दूंगा। जल्दी यहाँ छुप जाओ। माँ, क्यों ना हम इनकी ये इच्छा पूरी कर दें? आखिर इनकी वजह से ही तो हमें ये यम्मी लड्डू खाने को मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखो, तुम तो उड़ने लगी। मैं उड़ सकती हूँ। मम्मा जरा संभल के, आहिस्ता आहिस्ता। माँ, माँ। क्या बुद्धू बनाया। Thank you.
सचमुच कमाल का केक है। चलो सब, अब आसमान की सैर कर लें। ये है। ये। मौसम खराब होने लगा है, हवा का जोर भी तेज होता जा रहा है। तुम सब वापस जमीन पर उतर जाओ। माँ, वापस चलो, मौसम बिगड़ रहा है। तुम जाओ, मैं अभी और उड़ूंगी। पर माँ, अब खतरा है। पर मुझे मजा आ रहा है। ढोलू बोलू, मुझे महाराज के कुछ काम से पड़ोस वाले गांव जाना है। अगर हमारे साथ कालिया उस्ताद होते तो पता है क्या कहते? क्यों? मैं हूँ कालिया उस्ताद, मैं किसी से नहीं डरता। मुझे भूख लगी है। और पता है जग्गू होता तो क्या कहता? क्या? चलो पेड़ पर चलकर केला तोड़ते हैं। हम तुम्हारे लिए एक साइकिल बनाएंगे। सच? मुच? बड़ा मजा आएगा। जल्दी चुपकी, जल्दी बनाओ। ये पूरा हुआ। ये देखो राजू, मैंने तुम्हारी साइकिल का नमूना तैयार कर दिया है। अरे वो नहीं, ये वाला हिस्सा। एक बार नमूना तो देखो। नहीं, ये पहले रखनी चाहिए। जाना चाहिए राजू। धीरे राजू, हमें पता नहीं आता। राजू, अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। मारो मारो जल्दी। क्या हुआ जग्गू, राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया। मुझे अपना गुलाम मिल गया। बच्चे, तुम्हें साइकिल चाहिए? आप लाएंगी मेरे लिए? हाँ, सबसे बेहतरीन साइकिल। हाँ,
जो सबसे तेज होगी, पर पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बताइए दादी, साइकिल के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो चलो मेरे साथ। राजू, आपका बस्ता कहाँ है? वहाँ। जल्दी नहीं, मेरे दोस्त को वापस होश में लाओ। चिपकाना पड़ेगा। छोड़ दो मुझे बच्चे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस। हाँ हाँ चली जाना, पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू, क्यों है ना? इतनी सुंदर है, ये सच में मेरे लिए है। हाँ हाँ, अब मैं जाऊँ? हाँ, और कभी वापस मत आना। क्या राजू? मदद करना ही जरूरी नहीं, कभी कभी एक की मदद करते समय दूसरे को हानि पहुंच सकती है। हाँ राजू, हर स्थिति को जांच कर अगला कदम लेने में ही समझदारी है। हाँ, ढोलू भोलू को शक्ति चाहिए। और अब कालिया को गुस्सा भी नहीं आएगा, जीत की खुशी में। अरे वाह, अब आई बात समझ में राजू को। चिट्ठी, चिट्ठी आई रे, चिट्ठी चिट्ठी चिट्ठी, कालिया तुम्हारी चिट्ठी आई है। कालिया कालिया चिट्ठी। खाने से जुड़ी खबर है क्या चिट्ठी में? मेरा चचेरा भाई रामू आ रहा है, बहुत मजा आने वाला है। आवाज नहीं, आवाज नहीं, भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। अब तू जाकर देखो रास्ता साफ है क्या, जाओ जाओ देखो। हाँ
ये लो। अरे ये कौन छोड़ गया? गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कोई यहाँ ये तोहफा रख के गया है। देखते हैं इसमें क्या, किसने भेजा है? देखते हैं, देखते हैं। खोलो खोलो, पहले खोलो तो सही। वाह वाह वाह, सुबह सुबह चॉकलेट। अरे अरे, पर हमें पता भी नहीं है कि ये चॉकलेट्स किसने भेजे हैं। रुको रुको, अकेले अकेले, मुझे भी तो दो। बहुत ही स्वादिष्ट है। और मेरे लिए भी कुछ छोड़ोगे या नहीं? अरे पर सुनो तो, पता नहीं कौन। तुम्हारे बाल पसंद है, ये कितने स्पाइकी हैं। मैं तुम्हें स्पाइकी रामू कह के बुलाऊंगा। ओह, क्या ये तुम्हारा भाई है राजू? मैं इसका भाई भाई नहीं हूँ। रामू कालिया का चचेरा भाई है, शहर से। लो रामू, लड्डू खाओ। रामू, तुम हम सबको अपनी कलाबाजियाँ क्यों नहीं दिखाते? ठीक है। वाह, बढ़िया। अभ्यास करके तो ये कोई भी कर सकता है। रामू, हमें अपना पसंदीदा स्पिन डांस तो दिखाओ। शानदार, तुम सच में उस्ताद हो रामू। मारो मारो जल्दी। क्या हुआ जग्गू, राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है, मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, मैं जीत गया। अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। ये सारे मैं खाऊं भी जंगल में, मैं सोऊं भी जंगल में। जंगल में कौन गा रहा है? यहाँ तो सिर्फ बकरी है, ये आवाज किसने की? अच्छी लगी मेरी आवाज है। इस जंगल में मैं नई हूँ और तुम मेरे पहले दोस्त हो। तुम कितनी प्यारी हो, जग्गू तुमसे मिलेगा तो बहुत खुश होगा। चलोगी मेरे साथ? हो। पर सब मुझे चिढ़ा रहे हैं। ओहो, सब बस मजाक कर रहे थे। आखिर दोस्तों में ही मजाक होता है। तुम हम सब के लिए बहुत खास हो। अब चलो यहाँ से। साम।
बहुत दूर पहुंचाना होगा। तुमने मेरी जान बचाई। दोस्त इसी के लिए तो होते हैं, है कि नहीं? हाँ, सच्चे दोस्त। शाबाश राजू, मेरे पास एक आइडिया है। अरे कालिया, ये तुम्हारा मुंह क्यों पूरा पड़ने लगा? भीम, तुम्हारा भी, राजू, जग्गू का भी। जरूर इन चॉकलेट्स में कुछ मिला हुआ था। और ये चॉकलेट का डिब्बा इतना बड़ा कैसे हो गया? बच्चों, ये क्या हो गया तुम सबको? किसने किया ये सब? देखो, चॉकलेट का डिब्बा अभी वहाँ नहीं है। हम सब छुपकर इंतजार करेंगे। चॉकलेट्स के लिए शुक्रिया, पर मुझे मिलावटी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। होशियार हो तुम। मेरे चॉकलेट का वार नहीं तो क्या हुआ? तो मेरी बबल गम का वार ही सही। याद रखना, कोई भी गुमनाम चीज कभी मत खाना।